इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज डेंगू का मरीज जहां बहक हो गया। गुजर खान के रिहायशी फैजान कुरैशी को डेंगू के शुबे में पिम्स अस्पताल लाया गया था। तवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरीज 24 घंटे इमरजेंसी में पड़ा रहा। मरीज को ना तो बेड फराहम किया गया और ना ही मरीज के टेस्ट किए गए। इस पर बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदा नौमान मकसूद से। नौमान, बताइएगा लवाहिकीन का और क्या कहना है। जी महवेश, कल इसे लाया गया था यहाँ पिम्स अस्पताल के अंदर जहाँ टाइफाइड की शिकायत बताई गई थी, और जब यहाँ पर लाया गया तो इसके लवाहिकीन का फैजान के लवाहिकीन का कहना है कि इसको ये बताया गया कि डेंगू का इसको शुबा है, जिसके लिए तमाम टेस्ट जो है वो किए जाने हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि कल से लेकर आज तक जो है ये इंतज़ार करते रहे उसकी तिब्बी इमदाद के लिए, लेकिन उसे कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई और 24 घंटे तक वो स्ट्रेचर पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी चेकअप नहीं किया। इमरान उसका भाई यहाँ पर मौजूद है। इमरान, क्या कहा गया था डॉक्टर्स की तरफ से? ओए, कोई कुछ भी नहीं कह, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा भाई वापस चेकअप किया, कोई चेकअप वाला नहीं है, कोई बेड फराम किया गया आपको? कोई बेड फराम नहीं है, दो दिन से स्ट्रेचर पे। टेस्ट लिख के दिए थे कोई डॉक्टर्स ने? टेस्ट ये जो जूनियर है आते हैं, जो आता था जबरदस्ती खिलाते थे ये। शुक्रिया नौमान मकसूद।